जयपुर के कोतवाली थाना इलाके में उपजे विवाद के बाद अब शांति का माहौल बना हुआ है। किसी भी तरह की कोई स्थिति न बिगड़े और इसी के लिए पुलिस का भारी जाब्ता यहां पर तैनात किया गया है। और इस पूरे मामले में खास बात यह है कि माहौल बिगाड़ने और पथराव करने वाले आरोपियों को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए चिन्हित करते हुए करीब 10 आरोपियों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर संतोष चालके ने के मुताबिक पथराव करने और तनाव पैदा करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी फुटेज और साइबर एक्सपर्ट्स के आधार पर पुलिस लगातार आरोपियों की शिनाख्त कर उन्हें चिन्हित करने का प्रयास कर रही है। उस प्रकरण में आपने देखा होगा कि सीसीटीवी फुटेज बहुत डिटेल में उपलब्ध है, इस कारण से हर एक व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा है। ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। कल तक हमने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, अन्य व्यक्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है और इसमें और गिरफ्तारी होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रायोजित नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि वहाँ जो जेब कतरा था उसके साथ मारपीट हुई थी, उसको लेकर जिनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि जेब कतरा होने के कारण मारपीट की जा रही है, तो इस कारण से गलतफहमी फैल गई और इसके बाद ये घटनाक्रम हुआ। भविष्य में ऐसा घटनाक्रम ना हो इसके लिए प्रयास करेंगे। वैसे उस दिन भी वहाँ मीटिंग आयोजित की गई थी और भविष्य में भी दोनों समाजों में कंटिन्यूस डायलॉग बने जिससे कि गलतफहमी ना हो, इसका